G20 शिखर सम्मेलन 2022 G20 बाली शिखर सम्मेलन इस साल 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया गया। क्या है इसके मुख्य बिंदु? बाली में शिखर सम्मेलन 20 यानी G20 देशों के समूह की 17वीं बैठक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक आबादी के 66% का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2021 को शुरू हुई, यह शिखर सम्मेलन के दौरान समाप्त हो गई। इस आयोजन की थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 एजेंडे के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए गए हैं। वे हैं, पहला सतत ऊर्जा संक्रमण, दूसरा वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला, तीसरा डिजिटल परिवर्तन। इन 3 सत्रों के साथ इंडोनेशिया का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों और डिजिटल अर्थव्यवस्था की भागीदारी के माध्यम से कोविड-19 टीकों तक समान पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना, सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 2022 G20 शिखर सम्मेलन में कौन हुए शामिल? G20 शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और ब्रिटेन और अमेरिकी नेताओं ने भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील और मेक्सिको के नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को वर्चुअली इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है G20? 2022 शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यह सितंबर 2023 को अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2023 शिखर सम्मेलन के लिए लोगो और वेबसाइट जारी की थी। भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए इन न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।